हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह 8:30 बज रहे हैं, सारे कमरे में सो रहे हैं, मैं उठ गया हूँ जल्दी, बाहर बैठने का दिल था। नींद कल बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई है, बिकॉज मुझे हार्ड मैट्रेस पे सोने की आदत है और ये काफ़ी सॉफ्ट है, बट बॉडी रिफ्रेश चलो फिर भी हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर मतलब आंखें बंद करके भी लेटा रहा। कल मेरे को नींद ज़्यादा नहीं आई, मुश्किल से मैं 1-2 घंटे सोया हूँगा, बट कोई बात नहीं। और सुबह उठ के यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बैठ के मज़ा बहुत आ रहा है। काफ़ी अच्छा ये हॉस्टल बना हुआ है मैक्लोडगंज वाला, बस यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट वंस दैट्स सॉर्टेड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। गाइस ये लोग तो पता नहीं कब आएंगे, मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैंने एक परौंठा किया है, स्क्रैम्बल्ड एग्स किए हैं और एक सुबह सुबह फ्रेश लाइम पीने का बड़ा दिल कर रहा है मेरा। दोस्तों मैडम भी उठ गई है, इसलिए कहते हैं सनग्लासेस पहनते ताकि आंखें खुले। मुझे अच्छा लगा। तेरी आईज ब्राउन है, ओ यू हैव ब्यूटीफुल आईज। कैसे परौंठा, कैसे लगा? गाइस एक परौंठा मंगाया है, वेरी नाइस। तभी तो मैंने कहा मैं चीज गार्लिक वाला ऑर्डर करना है। तो हम बेसिकली हॉस्टल के कैफे में है, जरूर ट्राई करना इंडी बाय सेलिब्रेशन। ये टाइमिंग्स वगैरह है सारे इनके, प्यारे से स्कूटर भी रखा है, सुंदर है सब कुछ, एंड द व्यू इज टू डाई फॉर। चीज गुड मॉर्निंग, अभी खाओ। मैं अब सिंबा पॉपकॉर्न को खिलाऊंगी, चटर भी खा लूं, यहीं से तो आई हूं, बेबी है ना सिंबा पॉपकॉर्न तो मेरा। Get up. मैं यहाँ पे खड़का करना शुरू कर दूंगा अगर तुम नहीं उठ रहे। चलो बेबी डॉल्स, बहुत टाइम हो गया है और इन लोगों ने प्लान बनाया था गाइस सुबह सुबह सनराइज देखने का। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो दोस्तों। फियांसे ने उठा दिया, ब्रश तक नहीं करने दे रहा और मैं तो डर गई, मैं तो मुझे तो बहुत ठंड लगी थी, वो कह रहा जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है, बट इतनी अच्छी धूप है। लुक एट दिस, सारी फैमिली साथ बैठी है, ऐसा हो नहीं सकता हम कार्ड्स ना खेलें। डगो बहन, गुजराती बहन, प्रो प्लेयर इन तीन पत्ती। दोस्तों मेरे पैनकेक्स भी आ गए हैं एंड हमने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। लड़की ने लास्ट राउंड जीत लिया दोस्तों। लड़की ने इतना बड़ा राउंड जीता कि हमें मार्केट में नए सिक्के लाने पड़ गए। क्या हो रहा है बताओ जरा सब। भाई शाम को गए, हमें लग रहा था कि हम ही सिकंदर है, एक्चुअली राठौड़ क्लासेस तीन पत्ती की तो यहाँ चल रही है। ऐसी ऐसी वेरिएशन ला रही है, लोगों को वॉशरूम जाना पड़ गया, लोग वहां से खेल रहे हैं। क्या कुछ बन रहा है, तुम्हारे पत्ते तुम जीत भी सकते हो, ट्रिपलेट में बन रही होगी, तुम्हें पता नहीं अभी क्या। ट्रिपलेट वाले लोग एक की चाल चल रहे हैं। टेबल की कंडीशन अभी ये है देखो। सबसे ज्यादा तुम्हारा भाई आ रहा है गाइस, 99% टाइलर कैट वाले उनकी फुट की। Very smart, very good. दोस्तों फाइनली खाता खुल गया है, खाता खुल गया है मग्गू जी का, एंड पैसे देखो, माया देखो जरा दोस्तों, चाय आ गई है। दोनों कलर थे इसमें, कलर और जंपिंग था। फिर से विनर भाई साहब, इसकी हमारा डन, कुकू इज डन। नहीं मेरा सेवन की ट्रिपलेट थी, सेवन की ट्रिपलेट, मेरी जे की ट्रिपलेट भाई साहब। क्या क्या बोली बोली भाई, दोबारा बताओ। वो तो वही बोली है, दोबारा बताओ। उसके ये एटीट्यूड से हम रिच हो सकते हैं पर सुपर रिच नहीं हो सकते। और मैं ये कहना चाहता हूँ सुपर रिच के लिए तुम्हें ये एटीट्यूड चाहिए। यार दिल रिच होना चाहिए, मिल रही है और बताओ। ये क्या वेरिएशन है, तीसरा वाला इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, इग्नोर कर दे। अभी हम यहाँ पे 9 बजे से बैठे हैं और इतना अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग। ओए होए वादिया देखो इधर, सो ब्यूटीफुल, लविंग इट। और यहाँ पे कैफे है, जो मर्जी खाना है वो ऑर्डर करो। पराठे खाए वो बहुत अच्छे थे, चाय मस्त, इतनी जबरदस्त कड़क चाय, सब मेरा जो वो ऐसे ब्लॉक्ड नोज था वो खुल गया। व्हाट एल्स, जूस, वाटरमेलन जूस, एवरीथिंग इज अमेजिंग, लव इट। और इधर ही पास में हमारा अंदर ही रूम है, सो पूरी वाइब यार एंजॉय हो रही है हिल स्टेशन की। दोस्तों ये जवानी है, ये जवानी की नैना यहाँ बैठ के काम कर रही है, हम सारे बाहर मजे मारे, शी इज वेटिंग फॉर हर बनी, बनी रह गए चंडीगढ़ में इसका। वैसे तो मैं किशु को मिस कर रहा हूँ, बट मुझे पता है काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अपना काम कर रही है, सो वर्क इज वर्शिप गाइस। ये लड़का बैठ गया है अपना लैपटॉप लेकर, किशु दी बैठे हैं, ध्वनि रेडी है, बस रेडी होने लगी है,
एंड मैं सबसे पहले रेडी हो गया हूँ. सबसे पहले तीसरे नंबर पे. नो मैं तो नहीं अपने आप को तीसरे नंबर पे बोलूंगी. नो किस दिन अभी भी थोड़ी से लगाना ना लिप बम वगैरह. देखा मैं तो सबसे पहले रेडी. ये अपना मेकअप करने को देखो शूज भी डाल लिए मैंने तो. आई एम रेडी फुल्ली रेडी. कुछ रेडी है हम लोग तैयार हो गए. खीशु कुशाग्र और ध्वनि ऊपर पहले चढ़ना होगा इतना जोर से. चलें रेडी. ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मेरी आई है 173. दोस्तों मेरी आई है 170. अभी पीछे उधर बात कर रहा है. दोस्तों मैं अपनी टोपी तो भूल ही गया. वो ही तो कलरफुल चीज थी मेरे आउटफिट में. फिशी कैन वी गो बैक. नहीं नहीं मैं कि तुझे धक्का मार दूंगी. वो भाई साहब लवली फ्रूट्स. तो बेसिकली गाड़ी आपको वहां पे ड्रॉप करेगी और उसके बाद आपको यहां से होटल आकर्ष से चलते हुए आपको आगे आना है जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होगा शिवा कैफे के लिए. और हमारे लोग अभी भी ट्रैक शुरू नहीं कर रहे. शॉपिंग फेल रहे. चलो किशु मैं तो सबसे आगे हूं. गाइस हम सब कीरत को ढूंढ रहे हैं. सडनली कीरत आ गई है. लास्ट में मैंने टोपी भी ले ली. कितनी सुंदर लग रही है. लव इट. ओह माय गॉड यू लुक सो क्यूट. थैंक यू. लव दिस मार्केट सो क्यूट. चलो चले. अब क्या करना है. इस लड़की को मैं इतने टाइम से यहाँ लेके आना चाहता था. गाइस आई एम सो 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 हैप्पी. आवर ट्रैक बिगिंस. लेट्स गो. ओह वाओ मेरे रश के कवर. आई थिंक आई हैव कैश. गुड बहुत ही अच्छा. थैंक यू गाइस. सुपर टैलेंट यार. पढ़ाई हो गई है स्टार्ट दोस्तों प्रॉपर वाली. अगर आप मैक्लोडगंज आए हो सेवा कैफे नहीं गए तो गाइस कुछ नहीं किया. सो कुकू यही सब हम करते थे दोस्तों के साथ. हाँ एंड दिस शिवा कैफे. ऊपर बैठेंगे आराम से बातें बुते करेंगे. गाइस आप सब्सक्राइब ठोक दो अगर आप नए हो चैनल पे. मेरा नाम है फियांशु. ये है कीरत. वेलकम टू द चैनल फियांशु एंड कीरत. अरे वाह हेलो आ गए अभी दोस्तों. ये देखो चेंज यहाँ पे सारे वो कैंस दूध की बॉटल का सारे ऐसे बनाया हुआ. माउंटेन ड्यू मैगी पैकेट्स. ओ माउंटेन शीप्स दोस्तों वो देखो कितनी सारी. क्या हुआ 77 दोस्तों सारे ये बताओ सबके क्या पोजीशन चल रही है अभी. परफेक्टली फाइन. मेरे पूरे महीने हार्ट रेट बताओ. 177 128 दोस्तों बस इंडिया और फॉरेन की हाइट में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये चिप्स वगैरह के पैकेट मैगी का ठेला सब मिलता है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर हमारे पास ये सब पहुँच रहा है कि कुछ भी हम वेस्ट ना करें ऐसे क्योंकि फिर सब गंदा कर देते हैं ऐसे. नेचर इंडिया इज सो ब्यूटीफुल लेकिन अगर ऐसे हम गंदा करेंगे तो वो अच्छा नहीं है. जैसे शिवा लिखा बट ये शिवा कैफे नहीं है. ये उनके लिए कमजोर दिल वालों के लिए. ऊपर चलो ऊपर. दिस इज नॉट शिवा कैफे. लेट्स गो टू द राइट शिवा कैफे. सो गाइस हम यहाँ से चलते हुए और हम सीधा निकल गए
बट एक्चुअली असली शिवा कैफे यहाँ से है। सो एक आपको यू टर्न लेना है, सीधा नहीं जाना। कुकू को अभी मैंने समझाया, किशु को बोल दिया मत हिलो, 160 से कम जाने दो। किशु मेरा नॉर्मल 150 कैरी नहीं करती है, तो इट्स ओके। किशु दीदी रेस्टिंग, धीरे धीरे हम आज जा रहे हैं ऊपर चढ़ के, दीदी उतना एंजॉय करेंगे हम। दोस्तों बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको सिम्बा को पॉपकॉर्न एंड डैडी पे मिलेगी, बट एक चीज ऐसी है जो आपको नहीं मिलेगी, वो है पीस कैफे नीचे, शिवा कैफे ऊपर। शिवा कैफे जाना है, नीचे नहीं जाना। बुलाती है मगर जाने का नहीं। गाइस कुकू की एक्टिंग बिफोर कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा जाती है बट पुकारने का नहीं। पानी का गाइस ये पसीना है मेहनत का। चलो इट्स टाइम कि मैं भी आज आप लोगों को बताऊं कि मेरी फिटनेस जर्नी कैसे शुरू हुई थी। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आया था कि मुझे जिम शुरू करना है, वो तब आया था जब मैं एक ट्रैक पे गया था अपने दोस्तों के साथ, खीर गंगा। एंड खीर गंगा का ट्रैक इज वेरी टफ, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे उस वक्त आई थिंक आई वॉज द मोस्ट अनफिट वन, ठीक है। सब चढ़ रहे और मैंने इतना सारा बैग उठा लिया गलती से। मेरे को पता नहीं था वो ट्रैक का क्या मतलब होता है। ट्रैक में अब जाके पता लगा कि दैट यू हैव टू कैरी वेरी लाइट स्टफ, सिर्फ मैंडेटरी से मैंडेटरी चीज़ें, फालतू चीज़ें नहीं। खीर गंगा के ट्रैक के आई डिसाइडेड कि भाई मैं जिम करूँगा, मैं अपने वेट को कंट्रोल करूँगा, हार्ट रेट को मॉनिटर करूँगा। उस ट्रैक का मुझे पता लगा कि भाई इतना अनफिट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे तो फिर भी बहुत अच्छा कर रही है। मेरी तेरे से 10 times हालत बस थी, ये तो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। मैं तो उस वक्त भी मेरी बुरी हालत थी भाई। चलो कॉलेज में था, तू कॉलेज में तो कितना पतला था। डंडी का बात नहीं, स्टेमिना की बात। दैट इज वेरी ट्रू। जैसे कि मेरा वेट इतना नहीं है, सारे मेरे को कहते हैं कि क्या जरूरत है जिम हुई वगैरह की, बट नहीं, बात सिर्फ फिटनेस की, आपका स्टेमिना की है कि यार स्टेमिना होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू हाइक वॉक प्रॉपरली ऐसे करके। यस वी हैव रीच्ड, फाइनली आ गए, ये खुशी अलग है। क्लियर वाटर, वाओ दोस्तों वो देखो मस्त लग रहा है दोस्तों। इतनी कंफर्टेबल लग रहा है, ऐसे नीचे आराम से बैठ के। अपने जूते ले ले फिर, और करो सब वेज ही करना हमारा। हां सब वेज, वेज मंचूरियन एंड चिली चीज। गाइस गाइस एवरीथिंग इज सो यम्मी सो फार। दोस्तों यहां पे शिवजी जी की मूर्ति है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू फिशी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। पार्टी बहुत लंबी है अभी। यस, हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ दोस्तों। फिशी के साथ मी टाइम भी स्पेंड कर लिया। ये देखो क्यूट डॉग गाइस, दे हैव दिस क्यूट, सो क्यूट, क्यूट शॉप हियर। They have very nice shawls. These buying this cute decorative item. मैंने फिशी से पूछ लिया कि मैं भी वो पॉट सेट ले लूं। फिशी कहता ले ले। दोस्तों शॉपिंग कर ली, ये मैंने अपने लिए लिए। पिंक कलर। ओ फिशी पूरा फ्रस्ट्रेटेड है हमारी शॉपिंग से। पूरा मेरे याक को कहता ऊंट का बच्चा। इतने बढ़िया याक को ऊंट का बच्चा कह दिया है। क्या तुम लोग घबराए हुए हो? यस। क्या तुम्हें टेंशन है? एक बार ध्यान से देख लो, दूर दूर तक अंधेरा है गाइस, बट इसलिए तुम आज अपने दोस्तों को बोल सकते हो थैंक यू। इट्स अ ब्राइट सनी डे नाउ। दोस्तों चलो चलें। हाँ वो तेरी बहुत आ रही है तीरे तुम्हें। चलो पता मारा क्या हाल है, कैसे बंद करियो। ओ दोस्तों, ओ माय गॉड, ये तो सारे दिख रहा है ना यहाँ से। हाँ हाँ पूरा दिख रहा है। लाइट की रिस्पेक्ट नहीं है तो ठीक है। यस
थैंक्स खुशी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं ये नीचे। अब फ्रेंडमी वाली बात चल रही है। अच्छे से गए। दिखा दिखा। ओह वेरी नाइस। ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मेरे को छोड़ के आगे चले गए हैं। सारे कह रहे हैं शॉपिंग का कीरत की कोई एंड नहीं है। एंड है, खाली हाथ जा रहा हूँ मैं। मुझे हर हालत में वो चाहिए। सॉफ्टली पेशेंस। वेट करके दिखाने के। जैसे कहते हैं 100 ज्यादा पड़ेगा ना, बढ़ रहा ना। लोअर बक्सों से आपको टैक्सीज वगैरह मिलेगी। अपर बक्सों हुआ है जो शिवा कैफे की एंट्रेंस है ना सर, चलने के लिए जो ट्रैक शुरू होता है जी जी। और फिर मैक्लोडगंज स्क्वायर जहाँ पे जोर स्टोर सारी मेन मार्केट है। दोस्तों लास्ट में हमने अपना मेडिटेशन बोल भी ले लिया। इसको कहते क्या दीदी? हम पूछेंगे उधर मार्केट जगह, बस गूगल पे फटाफट टिशु दीदी कर देते हैं। सीरियसली कैश तो मतलब कहीं पे भी नहीं यूज होता। इतनी शॉपिंग करी, सारी शॉपिंग एक्चुअली सिर्फ टुक 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 और लाइक ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। लव इट, बहुत ही अच्छा हो गया। और यहाँ हम आए थे ना, इनका ऐसे 4 स्टोरीज है पूरा, यहाँ अंदर सेटिंग है, फिर इधर भी है। दोस्तों यहाँ पे भी किशु दीदी पे कर रहे हैं गूगल पे। गाइस मैक्लोडगंज स्क्वायर पे एक है जिमीज कैफे, यू हैव टू विजिट दिस प्लेस। अमेजिंग केक्स, अमेजिंग सर्विस। व्हेनेवर यू आर हियर से हाय टू हिम। यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द प्लेस। अमेजिंग कॉफी, अमेजिंग केक्स, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी ऑन दैट। नहीं नहीं नहीं, तूने बस एक्शन करना है वो। हाँ। जिमीज कैफे को बाय बाय। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापस अपने जोस्टल। चले फिशी, चलो चलो। मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ, मेरे को वूजर बेकरी इनको लेके जाने का है। वो 2 दिन से बंद है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है जनवरी तो। बस वूजर बेकरी वो 2 दिन से बंद आ रही है। वूजर बेकरी इतनी पास है जोस्टल के? उसी रोड पे। मस्ट हैव इनके चॉकलेट टार्ट्स, मतलब बहुत कुछ है ठीक है। और मैं जब भी आया मैंने जरूर खाया है, वेरी टेस्टी। मैं इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ ना कि भाई तू कब खुली है, 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। हमारे जोस्टल के रास्ते में काफी खाने पीने का और भी है फिशी। ऐसे उतर के आओगे ऐसी वाली सीढ़ियाँ, और उसके बाद ये वाली सीढ़ियों से नीचे जाने वो ध्वनि कुशाग्र जा रहे हैं, और नीचे जाके आएगा जोस्टल। राइट कुकू, इज इट वर्थ इट ये सीढ़ियाँ उतरना? और बेसिकली उतरना तो मुश्किल नहीं है, चढ़ना मुश्किल है। और यहीं पे सामने है होटल लोटस, और साथ में होटल पोश है, POSH। और जहाँ पे भी मेरा फिशी है वहाँ पे सब बढ़िया है। दोस्तों सुपर टायर्ड। तो इतना एक्साइटेड है ये लड़का दीदी को यार नया मिक्सर ट्राई करवाने के लिए। अरे ये नॉन अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक जिमीज कॉकटेल।